हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन के थ्रू हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2021 का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक तक, ठीक है, और रिलेटेड करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। पहले हिंदी में डिस्कशन एंड देन फिर हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कंप्लीट पॉसिबल नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि सेम फैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ कभी दूसरे न्यूमेरिकल्स या आपके साथ एमसीक्यूज हो तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व कर सकें, आइदर द डायरेक्ट मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हर एक सेशन में एक सिंगल क्वेश्चन करेंगे ताकि आप उसे समझ करके, अंडरस्टैंड करके और मेमोराइज कर लें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है, और कंप्लीट कर लें, ताकि जब एक क्वेश्चन मानिए आपको याद हो जाए तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि चलो मेरा एक पॉइंट हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, उसके रिलेटेड फैक्ट कवर अप हो गए और पॉसिबल फैक्ट उस पर्टिकुलर रिलेटेड पॉइंट में हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन 2021 का आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, ठीक है। सेक्शन जो है आपके बुकलेट आती है ए बी सी डी में, मैं एक बुकलेट से आपको डिस्कस करा रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है ये थ्री उसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। इस पे अच्छे से ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं हम क्विकली देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ ऐसे प्रोविजन, क्योंकि सर्टेन बोला है सारे नहीं, कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, तो सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक राइट प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो डायरेक्शंस क्या करना है क्या नहीं करना है वो डायरेक्शन इशू कर सके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हो। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर, ठीक है, फ्रॉम आरबीआई एक्ट, यानी जो आरबीआई का गवर्नर है उसको जो पावर मिलती है वो मिलती है उसे आरबीआई एक्ट की मदद से, ठीक है। तो ये हमारे फैक्चुअल स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। तो कुछ पहले मैं आपको अदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आरबीआई के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी एंड देन फिर हम इसके पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हम आपसे आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे ताकि ये फैक्ट आपके माइंड में सेटल हो जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, याद कैसे करोगे, अप्रैल फूल बनता है एक तारीख को, तो 1 अप्रैल और 1935, ठीक है, 1935। अब ये कैसे याद रहेगा आपको, अगर याद है आरबीआई एक्ट 1934 तो उससे आपको 1935 याद आ जाएगा, और 1 अप्रैल फूल बनता है तो 1 अप्रैल। ये मेरी ट्रिक है, आपके पास कोई और अच्छी यूनिक ट्रिक होगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैब्लिश कब हो रहा है, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। प्रोविजंस किसके हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। तो स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 और एज पर आरबीआई एक्ट 1934। सेंट्रल ऑफिस जो आरबीआई का था सबसे पहले, इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में जो ऑफिस था आरबीआई का, सेंटर का ऑफिस था, वो कोलकाता में था, ठीक है, पहला जो ऑफिस था, लेकिन वो परमानेंटली जो है मूव्ड हो गया मुंबई में, मूव्ड हुआ है मुंबई में, सबसे पहला कोलकाता में था, ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे एंड दे कीप देयर ऑफिस एंड ऑल वहां पे था, तो उसके बाद वो मूव हो गया मुंबई में, कब, 1937 में, ठीक है। तो ईयर आपके कंपैरेटिवली सामने ही है, ठीक है। तो जो अब सेंट्रल ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नर, वहाँ पे गवर्नर बैठते हैं, वहीं से सारी पॉलिसीज जो फ्रेम करते हैं वो हो गई आपकी मुंबई, ठीक है। तो या गवर्नर कहाँ पे बैठते हैं ये भी आपको माइंड में रखना है,
ठीक है, कहाँ पे, जो मुंबई ऑफिस है वहीं पे गवर्नर बैठते हैं, वहीं से पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, ठीक है, वहीं से पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, ठीक है। ओरिजिनली जब बना था आरबीआई तो वो एक प्राइवेटली ओन था, ठीक है, प्राइवेटली ओन था, ठीक है, ओरिजिनली जब बना था वो प्राइवेटली ओन था, लेकिन नेशनलाइजेशन हुआ था, कब हुआ था, 1949 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में, ठीक है। तो अभी हमने फोर इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली, एक तो अप्रैल फूल 1935 में बने थे, ठीक है, फिर 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद आपका 1937, ठीक है, 2 साल के बाद ही मुंबई में ऑफिस शिफ्ट हो गया कोलकाता से, और उसके बाद 2 साल था पहले, अब 12 साल उसमें ऐड कर लो तो 1949, ठीक है, 1949, ठीक है। आरबीआई जो है वो फुल्ली ओन्ड हो गई गवर्नमेंट के द्वारा, फुल्ली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिखा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फैक्ट्स भी याद कराते जाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट अगर आरबीआई की बात निकली, ये जो कॉमन बातें हैं, ठीक है, फिर हम जंप करेंगे डायरेक्टली अपने आंसर की डिस्कशन की ओर। तो 1935 में आपका स्टेब्लिश हुआ। मेरे बोलने के बाद एक आपने इस चीज़ को, इन फैक्ट को 3 बार अपने माइंड में साथ में रिपीट करना है, और विद इन 24 आवर्स में इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना है, गारंटीड आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो पहला कवरेज 24 आवर्स के अंदर, दूसरा वीकेंड में रिवीजन, वीडियो को स्पीड में कर लेना और क्विकली रिवाइज कर लेना, उसके बाद वीकेंड के बाद आपने इसको रिवाइज करना है 1 मंथ के एंड में, आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, आई प्रोमिस यू, ठीक है। तो ये हमने आरबीआई की बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस किया। अब क्वेश्चन जो था वो हमारा बोर्ड से रिलेटेड है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बोर्ड्स के बारे में थोड़ी सी बातें, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड जो है ना, सेंट्रल बोर्ड, तो आरबीआई के जो जनरली जो भी क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी अफेयर्स हैं, ठीक है, वो कौन गवर्न, किसके थ्रू टेकन केयर किए जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। जो सेंट्रल बोर्ड किसका, डायरेक्टर्स का, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा देखे जाते हैं, ठीक है। अब ये बोर्ड कौन बनाता है, तो ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है इसको अपॉइंट करता है, ठीक है, ये बोर्ड जो है ये अपॉइंट, इसको अपॉइंट करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1949, ठीक है। सो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग 1949 में क्या हुआ था, रिकॉल, मैं जब भी बीच में आपको फैक्ट शेयर करने के बाद कुछ स्विच करूंगी, सो दैट आप रिकॉल कर लें सारे फैक्ट और यही याद करके जाए। सो 1949 में हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था, एक्ट कब आया था, 1934 में, एक 1 अप्रैल फूल बने थे 1935 में, 2 साल के बाद आपकी ब्रांच ऑफिस शेयर हो गई, सॉरी सेंट्रल ऑफिस शेयर हो गई, और 12 साल के बाद नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो सेंट्रल बोर्ड है डायरेक्टर का, वो अपॉइंट होता है किसके द्वारा, आरबीआई का जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बोर्ड अपॉइंट होता है, लेकिन माइंडसेट क्या रहता है, जो फ्रेमवर्क कैसे बनता है, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है। कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए ये अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड हो, और या अगर नॉमिनेशन हो रहा है तो 4 ईयर्स के लिए होते हैं। तो कैसे ये फॉर्म होता है, 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है, एक हम कहलाएंगे हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑफिशियल डायरेक्टर्स, और दूसरा हम कहलाएंगे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में हमारे जो फुल टाइम डायरेक्टर होंगे, ठीक है, फुल टाइम जो डायरेक्टर्स होंगे वो कौन होंगे, गवर्नर होगा एक तो फुल टाइम में, ठीक है, गवर्नर होगा, और 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर,
ये मैक्सिमम है क्योंकि लिमिट जो है मेंशन की गई है एक्ट में, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर. तो मैक्सिमम आपके 4 डिप्टी गवर्नर, उससे कम भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम आपके 4 डिप्टी गवर्नर होंगे. नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में जो सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, ठीक है, नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा, बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सरकार के द्वारा, ठीक है, जो नॉमिनेटेड होंगे वो कितने लोग होंगे, वो होंगे आपके 10 डायरेक्टर्स, ठीक है, 10 डायरेक्टर्स होंगे आपके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके फील्ड से डायरेक्टर्स होंगे और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे आपके, ठीक है. और उसके बाद अदर में आपके ये नॉमिनेशन के अलावा जो बाकी अदर्स लोग होंगे वो क्या होंगे, उसमें आपके 4 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, 4 डायरेक्टर्स होंगे और जो है उन 4 डायरेक्टर्स में हर एक जो डायरेक्टर होगा वो एक लोकल बोर्ड से होगा, 4 लोकल बोर्ड्स के अंदर, ठीक है. तो ये हमारा सेंट्रल बोर्ड के बारे में हमने एक ब्रीफ आउटलाइन की. एक बार क्विक रिकॉल कराना चाहूंगी कि सेंट्रल बोर्ड को जो गवर्न करता है वो जो हमारा सॉरी आरबीआई है उसके अफेयर्स को गवर्न करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. ये बोर्ड जो है अपॉइंट होती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. माइंड में क्या रहता है उनकी, आरबीआई एक्ट रहता है. 4 साल के लिए ये अपॉइंट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं. ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर फुल टाइम आते हैं गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, मैक्सिमम 4, 3 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं. उसके बाद नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर आएंगे कुछ लोग जो नॉमिनेट होते हैं सरकार के द्वारा ही, वो होंगे 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, और बाकी लोग जो होंगे वो अदर 4 डायरेक्टर्स होंगे. तो ये ब्रीफ फैक्ट्स मैंने आपको शेयर किया रिलेटेड टू आरबीआई और सेंट्रल बोर्ड. सेंट्रल बोर्ड क्यों देखा हमने, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात की और आरबीआई आपका मेन ब्रॉड टॉपिक है. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर. तो आपने देखा क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट जो बोला है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है. सेक्शन 8, गवर्नर तो आरबीआई के द्वारा अपॉइंट होता ही है, ठीक है, लेकिन माइंड में क्या रहता है, आरबीआई एक्ट रहता है, ठीक है. तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ इसलिए 1 लिख दिया. सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग गवर्नर और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर जो है वो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं. तो हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर है, अगर आपने अपना पॉलिटी का सेशन पॉलिटी का कवरेज अच्छे से किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपको पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है. ये आपका मेंशन है आरबीआई एक्ट के अंदर ही, सेक्शन 7 के अंदर, ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट यस डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है, टाइम टू टाइम किसको, बैंक को, ठीक है. लेकिन किस ऐसी मन हुआ उठे और चले डायरेक्शन दे दी, नहीं, कंसल्टेशन करनी पड़ेगी. आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ बैंक, ठीक है, गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करनी पड़ेगी और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तभी. पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, डेफिनेटली, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन आपके सामने इसका एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्शंस दे सकती है आरबीआई को, तब ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है. लेकिन एज पर आरबीआई एक्ट दे सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं. कंसल्ट करेगी गवर्नर के थ्रू एंड देन वो डायरेक्शन दे सकती है आरबीआई को, ठीक है, लेकिन वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, क्लियर. उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन है, एक्ट में मेंशन है, ठीक है. उसके बाद गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, तो यस आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 में, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, और अगर उनके एब्सेंस में डिप्टी गवर्नर भी अगर नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, उनके पास पावर रहते हैं,
ठीक है, ताकि वो डायरेक्शन दे सके अफेयर्स, जो बैंकिंग अफेयर्स और मैटर्स को लेकर के या बिजनेस ऑफ बैंक में लेके, तो उनके पास सारे पावर्स होते हैं, वो सारे एक्ट कर सकते हैं, सारे जो काम को कर सकते हैं बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पावर जो है यस मिला हुआ है, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट 3 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, सी इज योर आंसर, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में, हम इकोनॉमिक स्टॉक करके जो एक स्पेसिफिक चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे हम इकोनॉमिक से रिलेटेड सारे कंटेंट शेयर करते हैं, तो वहाँ पे हम शेयर कर देंगे इसका पीडीएफ। आप चाहें तो उसे वहाँ से रिफर करके जो है रिवाइज कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा फोल्डर स्पेस छुट्टी हुई वहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा नोट्स भी एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। हमने कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, और आपका प्रीलिम्स का ये पहला क्वेश्चन था करंट अफेयर्स। और भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हार्ड वर्क करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।